कोरिया जिले में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने शहर में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर संबंधित विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर से निर्देश मिलते ही स्वास्थ्य अधिकारी और औषधि प्रशासन की टीम ने पारा पटना में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई कर तत्काल क्लिनिक को सील कर दिया। आपको बता दें कि कलेक्टर चंदन त्रिपाठी पदस्थापना के बाद से अवैध एवं भ्रष्टाचार को लेकर बेहद सजग नजर आ रही हैं। यही कारण है कि कई साल बाद ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि आगे भी ऐसा कार्रवाई जारी रहेगी। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। जिले में हमारे द्वारा विगत एक माह से और लगातार हफ्ते भर से कार्रवाई चल रही है अपना अवैध क्लिनिक को लेकर और नशे के दुरुपयोग को लेकर। तो हमारे इसी तारतम्य में हमारे द्वारा ये बाजार पारा पटना में सूचना के आधार पर सरकार की नीति पर सील किया गया। इनको दस्तावेज उतना नहीं मिला, इसको सील किया जा रहा है।